वास्तविक प्रयास मंगल आज इंदौर में आरम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस के मालिक श्री धीरज मतकर धीरज सर के यहाँ पर उनके ऑफिस का वास्तु निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। सर सिविल इंजीनियर भी हैं, इसके साथ इंटीरियर भी हैं, लेकिन वास्तु सिविल दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो आजकल लोग सिविल और इंटीरियर करके वास्तु कर रहे हैं उससे कोई भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। सर का जो ऑफिस है पूरा एस पर वास्तु गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने फाइव एलिमेंट को पूरा डिस्टर्बेंस कर रखा है। यह वेस्ट की वॉल है और वेस्ट की वॉल में आपका अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट में होता है, लेकिन ब्लू कलर आने से वाटर एलिमेंट आ गया जो कि इनके एस्टेब्लिशमेंट को स्थिरता को पूरा डाउन कर दिया। इसके साथ साथ इनके यहाँ पर जब लैंड एनर्जी भी चेक की तो वह भी नेगेटिव थी। इससे पूर्व सर के पहले इस ऑफिस में कोई दूसरा ऑफिस था, वह भी ज़्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि ऑफिस की ऊर्जा नकारात्मक थी। आज इस ऑफिस में बिना तोड़ फोड़ के नज़र उतार कर और विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पलायन करने के लिए धुनी देकर इसके पूरे उपाय बताए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें जो भी उपाय बताए हैं सर करेंगे तो 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आजकल जो फॉल सीलिंग पर जो ग्रीन कलर का ये ट्रेंड चला है यह भी निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि यह अपना स्पेस एलिमेंट होता है और ये एयर एलिमेंट आ गया, इसके कारण ये पूरे ऑफिस का वास्तु भी और गड़बड़ हो गया। कृपया सर आप सब लोगों को दो शब्द बताएं कि इस ऑफिस में आने के बाद आपको क्या प्रतीत हुआ। यहाँ ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाते थे अपन, और जो पहले काम की स्थिति थी वो बहुत डाउन हो चुकी है। पहले जितने काम थे अभी काम की बड़ी स्थिति डाउन है, मतलब बातचीत हो रही है लेकिन काम नहीं जम पा रहा। इसलिए मित्रों ये कोशिश तो करते हैं, बातचीत भी होती है लेकिन काम का रिस्पांस नहीं मिलता। मात्र एक ही कारण है कि फाइव एलिमेंट अनडिस्टर्ब हो चुके। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही है तो उसको भाग्य तक सीमित ना करें, हो सकता है आपके फाइव एलिमेंट डिस्टर्बेंस हों। आज जो भी उपाय बताए गए हैं निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सर आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।